हमारे हैदराबाद के दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके खिलाफ केवल हैदराबाद या तेलंगाना, हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में जंग चल रही है। इस जंग को हमें जीतना है। इस जंग को जीतने के लिए कुछ मुश्किल डिसीजन भी लेने हैं। इस जंग को जीतने के लिए आपको और हमको मिलकर सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करना होगा। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने Jio 45 निकालकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसके तहत केवल इसेंशियल सर्विसेज को ही खुला रखा जाएगा। इसेंशियल सर्विसेज जैसे बच्चों के लिए दूध सप्लाई, मेडिसिंस, हॉस्पिटल फैसिलिटी, कुछ अर्जेंट सामान जैसे समय पर सब्जी खरीदना या कुछ ग्रोसरी खरीदना, इसके अलावा बाकी सब चीज, सब दुकान बंद रहेगी। कल आप लोगों ने जनता कर्फ्यू को 100% सक्सेसफुल बनाकर एक डिटर्मिनेशन का नमूना आपने पेश किया है। मैं आप सबको इसका मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, अखबारों में और टीवी चैनल में देखने से आप लोगों को पता चला होगा कि चाइना में जब ये वुहान में शुरू हुआ, तो उसके पहले चाइना के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, केवल इन सब दो देशों को ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। लेकिन इन सब देशों ने जल्दी ही तैयारी करके, घर में रहकर, बंद डिक्लेयर करके, लॉकडाउन करके अपने आप को बचा लिया। जैसा कि आप जानते हैं, यह वायरस बड़ा घमंडी है। इसको आप जब तक अपने घर बुलाएंगे नहीं, यह खुद चलकर नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जब तक आप एक इंफेक्टेड आदमी के नजदीक नहीं जाएंगे, यह वायरस आप तक नहीं आ सकता है। तो इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है घर में रहें। अगर आप घर में रहेंगे तो यह वायरस आप तक नहीं आएगा। अगर आप बाहर जाएंगे, दूसरों से मिलेंगे, तो इंफेक्टेड लोगों से यह वायरस आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन इस शहर का है। हमारी जिम्मेवारी बाकी सब शहरों से ज्यादा है। आप गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सभी गाइडलाइंस, Jio 45 और बाकी सब इश्यूज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे DGP साहब ने आज प्रेस मीट में कहा, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक, सभी ऑफिसर को यह ऑर्डर दिया गया है कि सड़कों पे जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनको रोका जाए। हैदराबाद शहर में किसी तरह का ऑटो का मूवमेंट अब से नहीं होगा। उबर, ओला और इस तरह की टैक्सी सर्विसेज बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप लोग अगर ऐसे वक्त पे डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो यह बीमारी फैलता जाएगा। अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा कि इटली और स्पेन शुरू में बहुत लापरवाही के साथ इस बीमारी से लड़ने का प्लानिंग किए। उनकी लापरवाही उनके लिए बहुत महंगी पड़ी। आज इटली में चाइना से ज्यादा मौत हुआ है इस बीमारी के कारण। मैं नहीं चाहता हूं कि जिस गलतियों के कारण इटली और स्पेन में लोगों को नुकसान हुआ, वो नुकसान हमारे शहर में हो। इसीलिए मैं आपसे
गुजारिश करता हूं कि आप इस पूरे एडवाइस को बहुत सीरियसली लें, घर के अंदर रहें, घर के बाहर केवल इसेंशियल काम के लिए जाएं। जहां तक रात का वक्त है तो रात को एक भी आदमी बाहर सड़कों पर उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को जरूरत है मेडिकल इमरजेंसी का तो मेडिकल एम्बुलेंस को बुलाएं। हम लोग हैदराबाद शहर को और तेलंगाना स्टेट को आपके लिए बचाकर रखें। अगर 10 इंसान गलती करती है तो यह 10 इंसानों की गलतियों के कारण पूरा शहर परेशानी में पड़ सकता है। इसीलिए उन 10 लोगों को आप और हम मिलकर डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल में रखेंगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ आपसे यह बात कर रहा हूं। कल आप लोगों ने दिखाया कि हमारा डिटर्मिनेशन क्या है, वही डिटर्मिनेशन 31 मार्च तक हम लोग को दिखाना है। आप और हम मिलकर हैदराबाद शहर को इस वायरस से बचाएं। अगर इतिहास के पन्नों को आप उल्टें तो आप पहले देखेंगे कि पुराने जमाने में बड़ी बड़ी महामारी, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, इस तरह की चीज फैलती थी क्योंकि लोग अपने आप को बचाकर नहीं रख पाते थे। आज जब आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर घर के अंदर हम रहेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं, तो फिर बाहर सड़क पर क्यों निकलते हैं? मैं सबसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं, बाहर नहीं आए। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से अब सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर बिना वजह के आप बाहर निकलेंगे तो।